हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं अपनी हुंडई वर्ना के अंदर प्रोजेक्टर फॉग लैंप लगवाने। ठीक है, अब आप पूछो तुषार भाई, आपकी हुंडई वर्ना के अंदर प्रोजेक्टर फॉग लैंप कैसे लगेंगे? स्पेस तो है नहीं, तो बने रहो वीडियो में, आपको सब दिखाऊंगा कैसे लगेगा, क्या लगेगा। OEM स्टाइल ब्रैकेट मार्केट में आ चुके हैं। ठीक है, फॉग लैंप लग जाएंगे, वो आपको वीडियो में दिख जाएगा फिटिंग वगैरह का। बाकी आप लोगों को पता होगा कि अभी थोड़े टाइम पहले हमने हाइपर ड्राइव करी थी, तो उसमें हमारा फ्रंट का जो स्प्लिटर था वो टूट गया था, तो आज वो भी हमने लगवा लेंगे। एंड अगर और कुछ नई मार्केट में चीज आई होगी तो हम वो भी ट्राई करके देखेंगे, आपको बने रहना वीडियो में। ठीक है गाइस, तो चलते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं आपसे वीडियो के बाद, बने रहिए अपने तुषार भाई के साथ। तो गाइज, हम मॉन्स्टर पहुंच चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी गाड़ी लगी हुई है यहाँ पे। फ्रंट का हमारा बम्पर खोलने का काम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे हमारे फॉग लैंप लगेंगे गाइज, आराम से बम्पर खोला जा रहा है अपना। गाइज, एक ये वायरिंग हार्नेस हमें यूज़ करनी पड़ती है जब भी हम कनेक्शन करवाते हैं अपनी गाड़ी में फॉग लैंप प्रोजेक्टर का किसी चीज़ का भी, क्योंकि इस गाड़ी में ऑलरेडी हमारा फॉग लैंप का कनेक्शन आता नहीं है ना, गाड़ी में लग के ही नहीं आता टेक्निकली, तो इसलिए हमें प्रॉपर एक वायरिंग ही डालनी पड़ती है अलग से। जैसे कि आप देख सकते हैं, तो आपको नया पीस दिखा रहा हूँ, बाकी भैया एक ऑलरेडी फिटिंग कर रहे हैं हमारी में। बाकी नीचे ऐसा आप देख लीजिए, यहाँ पे लगेगा हमारा प्रोजेक्टर, तो ये अभी जगह हमने निकाल दी है। ये स्टॉक ब्रैकेट्स है हमारे, ठीक है, और ये हमारी फिटमेंट है प्रोजेक्टर की 2 इंचेस। अभी आप देखना लुक कैसा आएगा इनका बढ़िया से। एक बार गाइज ये लुक देख लीजिए आप, विदाउट स्पॉइलर कंपनी वाले के ये लुक है अपनी। ठीक है, अब एक बार इस पर जो हम आफ्टर मार्केट और लगवाना जा रहे हैं इलांट्रा एन वाला, वो इस पर फिट करके दिखाते हैं, फिर आप बताना कैसे लुकआउट आती है। गाइज, हमने ये वाले प्रोजेक्टर्स पे ऑप्ट कराए, ओजूम के बाय LED 2 इंच। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, ये कुछ इसका बॉक्स आता है, ये कुछ डिज़ाइन है अपना, प्लेन ही है इनमें। बाकी 45 वॉट्स है, इंटू 2 मतलब 90 वॉट के प्रोजेक्टर्स हैं। प्राइसिंग एक बार आप MRP देख लीजिए इसकी कितनी लिखी हुई है, 18,990, यानी ये कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं इसके। काफ़ी अच्छा प्रोडक्टर है, एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इन सेगमेंट है, मतलब सबसे टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्टर। हमने जो भी बेस्ट था ना अपनी गाड़ी के लिए वो लगवाया, कहीं भी मतलब कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश नहीं करी हमने। ठीक है, जुगाड़ वाली बात नहीं करी, एकदम प्रॉपर करवाया। ठीक है, अब आपको दिखा दिया, अब गाड़ी में फिट हुआ कैसा है ना, अब आपको गाड़ी की लुक दिखाते हैं कि फिट होने के बाद कैसी आती है। गाइज, एक बार इसका लुक चेकआउट करो आप, स्पॉइलर का इस तरीके से ये OEM फिटिंग आएगी इसकी। ठीक है, अभी लगवाया नहीं, अभी सिर्फ इसकी पोजिशनिंग चेक कर रहे हैं ओवरऑल। एक बार आप देखो कैसी क्या लुक आ रही है साइड से, एक बार आप देखना चाहो तो ऐसे करके ये प्रॉपर OEM काइंड ऑफ चीज़ आई है एकदम इसके लिए। जैसे हमने देख रहे हो ना डिफ्यूज़र लगवाया था पीछे का, ठीक है, आगे का हमने फ्रंट का भी स्प्लिटर लगवाए थे, ये यूनिवर्सल वाले नहीं है, ये अपना इलांट्रा NK एंड बेसिकली वरना स्पेसिफिक है। आप लगवाने को स्पॉइलर तो लगवा सकते हो, बट डिफ्यूज़र एंड जो फ्रंट का स्प्लिटर है वो नहीं लगेगा, बट लुक तो इसके ऊपर ही अच्छी आ रही है। ठीक है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि पहले वाला अच्छा था कि वाली अब लुक अच्छी आ रही है, मतलब आपको गाड़ी फुकरी तो नहीं लग रही ना, राइसर लुक तो नहीं दे रही ना, अच्छी लुक दे रही है ना, प्लीज़ बताना मेरे को। तो गाइज, एक बार आप फिटिंग देख लो अपने प्रोजेक्टर की, एकदम OEM काइंड ऑफ फिटिंग आई है, कहीं से भी कोई गैप नहीं। ब्रैकेट देखो, एकदम प्रॉपर फिटिंग आता है, एक बार ऑन करके दिखा दीजिए भैया। अभी आप जल के भी देखना, कनेक्शन इसका एकदम प्रॉपर कर दिया है, लो बीम हाई बीम करवा दो भैया एक बार। बीम थोड़ा बहुत अभी सुबह का टाइम है, बट अगर आप ऐसे चेक करना चाहो तो यहाँ देख सकते हो, ये देखो ये प्रॉपर जो कट आपको दिख रहा है ना, ये अपना फॉग प्रोजेक्टर का कट है, वो सामने भी देख सकोगे आप, वो देखो प्रॉपर स्पॉट मार रही है आई बीम, तो काफ़ी अच्छा है। बाकी एक बार आपको रात का रिस्पॉन्स भी मैं दिखा दूंगा, एंड जो हमारा फ्रंट स्प्लिटर जो टूट गया था वो भी हमने वापस से ठीक करा के लगवा लिया है। ठीक है, तो गाइज हम आ चुके हैं, एक बार आपको आउटपुट चेक करवाने हैं अपनी गाड़ी का, हुंडई वर्ना का। एक बार आप ये देख लीजिए, अभी आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है सिर्फ हमारी हेडलाइट का आउटपुट है। ठीक है, एक बार आपको आगे तक दिखा देता हूँ, ये हमारा सिर्फ हेडलाइट है, एंड हेडलाइट का ये लो बीम है एंड हाई बीम है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसकी विजिबिलिटी,
ठीक है, बट ज़्यादा भी कोई अच्छी नहीं है। आप देख रहे हैं इसमें स्पॉट बनता हुआ, यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। ये सिर्फ अभी हेडलाइट है, फॉग प्रोटेक्टर अभी हमने ऑन नहीं करे हैं। अब आपको फॉग प्रोटेक्टर ऑन करके दिखा देता हूँ। भाई एक बार कर दो ऑन। अब आप देखना लाइव, आपको देखो प्रोटेक्टर एकदम से ऑन होते हुए दिखेंगे। ये देखो एक बार भाई दोबारा हटा के लगाना, अब देखना सामने लगा दो। तो गाइस देख सकते हैं आप एक बार, अभी हमारे फॉग प्रोटेक्टर ऑन हो चुके हैं। ठीक है, अब आप देखिए एक बार सामने आउटपुट, लो बीम कहाँ तक जा रही है वो देखना आगे। अब इसी पे आपको हाई बीम करके दिखाते हैं। अब इसकी हाई बीम देखो, आप देख रहे हो। एक बार आपको सामने से जाके भी दिखा देते हैं। बाकी आप यहाँ से देखो फॉग प्रोजेक्टर ऑन हो चुका है हमारा, एनी एस का कट आ रहा है। एक बार आपको सामने चल के दिखाते हैं, देखो ऑन करना भाई, वो देखो वो हो गए प्रोजेक्टर ऑन हमारे। ठीक है, तो गाइस यही खुश था अपना आउटपुट, आपको मैंने दिखा दिया वीडियो में अपने प्रोजेक्टर्स का एंड हेडलाइट सेटअप का। काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो गई है हमारी लाइट्स की, इससे ज़्यादा मेरे को ज़रूरत लगती नहीं है। अगर मेरे को शहरों में गाड़ी चलानी है तो इवन हाईवेज पे भी जब मैं जाऊँगा तो भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सफिशेंट है। ठीक है गाइस, तो गाइस एक बार अब आपको ना, वो तो अंधेरी वाली रोड थी, अब आपको एकदम प्रॉपर रोड पर दिखाता हूँ आउटपुट कैसे क्या आता है अपनी लाइट्स का। अभी फॉग लैंप ऑन ही हो रखे, ठीक है, फॉग लैंप एंड अपनी हेडलाइट ऑन है ऑन लो बीम। तो नॉर्मल रोड कंडीशन में भी आपको अच्छा खासा आउटपुट देखने को मिलता है। देखो अब प्रॉपर आपको कट दिख रहा होगा, ये देखो अब एकदम देखो ब्राइट होगा यहाँ पे रोड। उसके बाद भी पता तो लग रहा है कि फॉग लैंप लगा रखे हैं आपने। ठीक है, तो गाइस होप आप सबने पूरी वीडियो अपनी एंड तक देख ली होगी। अब आपको मैं बताना चाहूँगा हमें जो कॉस्टिंग क्या आई थी। तो गाइस जो हमने फॉग प्रोजेक्टर अपने लिए थे वो जूम कंपनी के 2 इंचेस वाले बाईलडी, उसकी कॉस्ट हमें आई थी 15,000 रुपीज़। ठीक है, एंड जो हमारा ब्रैकेट जिसपे हमारे फॉग लैंप फिट हुए हैं, जिसपे प्रोजेक्टर फिट होते हैं वरना के लिए, वो हमें पड़े थे कॉस्टिंग अराउंड 3,000 रुपीज़ उसकी पड़ी थी। एंड तीसरी चीज़ जो हमने अपना स्पॉयलर लगवाया पीछे जो आप देख सकते हैं, उसकी कॉस्टिंग हमें आई थी 6,000 रुपीज़। एंड लास्ट में जो हमने अपनी वायरिंग डलवाई थी जिसके लिए जिससे हमारे फॉग लैंप ऑन होते हैं, जो आपको मैंने दिखाया था, तो वो वायरिंग की कॉस्ट में पड़ी थी गाइस 800 रुपीज़। ठीक है, तो ये 4 आइटमें हमारी आज गाड़ी में लगी हैं, उन सबकी कॉस्ट मैंने आपको बता दी, बाकी आउटपुट भी मैंने आपको दिखा दिया था। होप आप सबको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और हमारे चैनल को तो पता ही है सब्सक्राइब आप लोगों को करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़।